जिला मंडी के पधर उपमंडल की ग्राम पंचायत डरहा गांव में रातों रात जेवीसी मशीन लगाकर वर्षों पुराने रास्ते को उखाड़ने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने यहां स्थित एजुकेशन सोसाइटी पधर के प्रबंधन पर रास्ता उखाड़ने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। जहां रास्ता उखाड़ा गया है उसके साथ लगती जमीन के मालिक शांतिलाल गोपालदास और पंचीराम ने बताया कि रास्ता 5 गांवों के लिए जाता है और ये रास्ता कई सदियों से ग्रामीणों के आने जाने का माध्यम है। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने रातों रात जेवीसी मशीन लगाकर रास्ते को उखाड़ दिया और साथ ही इनकी जमीन पर जो डंगे लगाए गए थे उन्हें भी तोड़ दिया गया। इनका ये आरोप है कि जिस जमीन पर एजुकेशन सोसाइटी अपना स्कूल चला रही है वह कागजों में किसी और के नाम पर है और यहाँ अवैध कब्जा करके ये स्कूल चलाया जा रहा है। इसके प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारी मलकीत है जो सरकारी भूमि है और आज तक वो कैच कैसे हुआ बने, जैसे कि इनको इस साइड मिली हुई थी आज से पहले, तो हमारे को यहाँ से बीच में जो रास्ता है और बीच में हमारा चढ़ा हुआ था और रास्ता वो सदियों 100-200 साल पुराना रास्ता हो, 8 फुट रास्ता है जी, इसको बंद किया जा रहा है और हमारे को आने जाने की दिक्कत हो रही है, गाय भैंस लाने के लिए दिक्कत हो रही है। अब मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि हम कहाँ से जाए और हमारे को रास्ता दिया जाए और इस रास्ते को हमारे को यही रास्ता चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये बना हुआ सब कुछ नजायज में है, जो सरनदास को जमीन मिली थी 3 बीघे मिली हुई थी यहाँ से, ये तो कम से कम 10 बीघे जमीन है इस टाइम। मैं आपको वहाँ से भी दिखाऊंगा अभी जाते समय, यहाँ आप देखेंगे पूरा होटल बना हुआ है, पूरा स्कूल बना, पूरा नव तोड़ में बना हुआ है। सरनदास को जमीन नीचे मिली हुई थी ये हमको भी पता है, इसने कहाँ कहाँ क्या किया है, कहाँ इसने रजिस्ट्री को, ये चंडीगढ़ वो मंडी में जाके धर्मशाला में जाके इसने कहाँ कागज बदले हुए, हमको वो भी प्रशासन के द्वारा हमने आरटीआई में भी ये खुलासा हुआ था कि इसकी इस जो ये जमीन है, जो जमीन है इसकी रजिस्ट्री पत्र में तहसील में किसी तहसीलदार ने नहीं की हुई है, ये मंडी में जाके हुई है। वहीं जब इस बारे में एजुकेशन सोसाइटी पधर के चेयरमैन उत्तम चंद चौहान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जमीन को अवैध बताने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, इस बारे में राजस्व विभाग से जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि यहां कोई रास्ता नहीं है और ये स्कूल की अपनी मलकियत जमीन है, निशानदेही के बाद ही 4 दीवारी लगाने का काम किया जा रहा है। ये रेवेन्यू मैटर है, ये अथॉरिटी नहीं है इसको करने वाली, इनका काम नहीं है कि किसकी जगह है कौन है ना, मैं भी नहीं कह सकता कि कौन जगह किसकी है, उसके लिए एक डिपार्टमेंट हमारे पास है, वहाँ जाए हम भी जाते हैं वो भी जाए। अभी हमने डिमार्केशन लिए स्कूल है, ये स्कूल में बाउंड्री वॉल लगनी है क्योंकि ये CBC स्कूल है और बाउंड्री वॉल का लगना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन है बोर्ड की कि बच्चों की सेफ्टी के लिए जो बाउंड्री वॉल लगाई जाए, तो उसके लिए हमने डिमार्केशन ली है और डिमार्केशन के हिसाब से अपनी बाउंड्री जो है वो उसके हिसाब से कर रहे हैं। अभी कटिंग और बाकी अभी तुम्हारी जगह और पड़ी है, अभी काटने को बाकी पड़ी है, और ये जो सड़क नहीं है ये सड़क मिट्टी है, ये कटिंग की मिट्टी है, कोई सड़क नहीं है ना कोई रास्ता है, ये हमारी मलकियत है, अपनी जगह है, निजी भूमि है, ये स्कूल की भूमि है निजी। वहीं लोगों की शिकायत पर पधर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पधर पुलिस के IO हेड कांस्टेबल चमन लाल ने मौके पर आकर सारी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रास्ता उखाड़ने के मामले को लेकर राजस्व विभाग की मदद लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। वहीं पुलिस ने शिकायतकर्ता शांतिलाल के खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शांतिलाल ने यह मारपीट अतुल चौहान के साथ की और इस संदर्भ में भी कार्रवाई की जा रही है। कहते हैं कि हमें रास्ता नहीं है, वो इनकी मलकियत जमीन से रास्ता जाते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तस्दीक की जाएगी कि जमीन किसकी है और किसकी नहीं है और रास्ता पुराना था या नहीं है, लट्ठे में भी है राजपुर कार्ड में कि नहीं है, उसके बाद ये तय होगा कि क्या है क्या नहीं है।